मध्य प्रदेश में बेमौसम हो रही बारिश किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। 5 दिन में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की वजह से 20 से ज्यादा जिलों में गेहूं, चने और सरसों समेत अन्य फसलें बर्बाद हो चुकी है। 80% से ज्यादा फसलें या तो खेतों में खड़ी है या फिर कटकर खलिहान में रखी है। इन पर फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 मार्च से फिर बारिश का दौर शुरू होगा, जो 3-4 दिन तक चलेगा। अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते पूरे प्रदेश में असर रहेगा। बारिश के साथ ओले गिरेंगे और तेज आंधी भी चलेगी। प्रदेश में 3 मार्च से मौसम बदला था और 5 मार्च से बारिश का दौर शुरू हो गया था। कई शहरों में तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चली। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम, नर्मदापुरम, विदिशा, राजगढ़, बड़वानी, सीहोर, रायसेन, धार, हरदा, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, खंडवा, सतना समेत 20 से ज्यादा जिलों में हल्की तो कहीं तेज बारिश, आंधी के साथ ओले भी गिरे। इस कारण गेहूं, चने और सरसों की फसलों को नुकसान हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित फसलों का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में मंत्री विधायक भी प्रभावित फसलों का जायजा लेने के लिए खेतों में उतरे हैं।